नमस्कार, टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और इस समय की 10 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा समय पर न्याय नए कानूनों की पहली प्राथमिकता। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रदान किया दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार। 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग बच्ची को लिखा पत्र। इस बच्ची ने पीएम मोदी को वडोदरा रोड शो के दौरान खुद से तैयार की गई स्केच भेंट की थी, जिसके लिए पीएम ने पत्र लिखकर बच्ची का किया है धन्यवाद। विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। इस मौके पर उन्होंने वितरित किए राज्य स्तरीय पुरस्कार, साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। कहा डबल इंजन की सरकार बढ़ा रही दिव्यांगजन का सम्मान। संसद के शीतकालीन सत्र में पहली बार लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला, हालांकि कई विपक्ष ने हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर लिया। वहीं राज्यसभा में सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए। बदायूं जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में बहस पूरी नहीं हुई। मस्जिद विवाद पर सुनवाई टल गई। मंदिर मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। संभल में 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक से 13 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। महाकुंभ की तैयारियों पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कुंभ को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। व्यवस्थित सुंदर अलौकिक महाकुंभ का नजारा पूरी दुनिया देखेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 8 लेन का बनेगा। नवीनीकरण में 1939 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। मुख्य सचिव ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था। अब यूपीडा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोहरे में अब 857 ट्रेनों में फॉग डिवाइसेस लगाई जाएंगी। ये डिवाइसेस जीपीएस की मदद से काम करती हैं। इसमें कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं करनी पड़ेगी। और टॉप 10 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।